ये पूरी तरीके से जल चुका है और आप ये देख सकते हैं, ऑपरेशन भी इनका काफी। आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अभी तक कोई आया मदद करने के लिए? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, जौनपुर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है खुशहूपुर, जैसा कि मुझे सूचना मिली। और ये कल नहीं परसों की बात है। इन तमाम सारी चीज़ों को दोस्तों मुझ तक जो पहुँचाए हैं, जिन्होंने मुझे सूचना दिया, वो हमारे राहुल जी हैं, खुशहूपुर के हैं। उन्हें मैं यहाँ बुलाता हूँ और सारी चीज़ों से अवगत कराता हूँ। सर, आप बताएँ कब कैसे क्या हुआ? ये खुशहूपुर गांव है, मेरा नाम राहुल यादव है। ये परसों रात को 1 बजे के आसपास यहाँ पे आग लगी थी और ठंडी के मौसम में सब लोग रात में सो रहे थे, तो जब तक सभी को सूचना मिल पाती तब तक आग काफ़ी भड़क चुकी थी और हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर पाए। इसमें इनका सब रहन सहन के सामान थे और दाना भूसा भी था, जानवरों के चारे भी थे। इसमें एक गाय भी थी बेचारी, वो नहीं भाग पाई और वो जल करके यहीं पे तड़प कर मर गई। और भी 2 जानवर थे जो बुरी तरीके से जल चुके हैं और किसी तरीके से वहाँ से जा चुके हैं। तो मैंने फिर भैया को सही समझा कि भैया गरीबों की मदद भी करते हैं, तो मैंने भैया को कॉल किया और भैया तुरंत मौके पर पहुँच करके इस गरीब की मदद करने आए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, करीब से सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं और उनकी मैं कुछ हेल्प करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आइए आपको भी दिखाते हैं कैसे क्या माजरा हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, वहाँ से लगा करके यहाँ तक इनकी रहन सहन की व्यवस्था थी, इस नीम के वृक्ष तक। और ये आप देख लीजिए, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई है। जबकि दोस्तों, ये ठंडक का महीना है। दर्द की बात ये है कि इनके पास अब रहने की कोई और ऐसी चीज़ें हैं नहीं जहाँ पे ये बड़े आराम से रह सकें। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये पूरा छप्पर जल गया है। ये गांव के लोग भी हैं अगल बगल के। एक बार दोस्तों मैं इस मेज़बान के पास जाता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ आपको। ये इसकी स्थिति है और ये बुरी तरीके से जल गई। अच्छा, ये दोस्तों ये बच चुकी है। अब आप देख के दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं, और सारी व्यवस्थाएं कुछ है भी नहीं। इनका एक छोटा सा सियाना था, वो भी जल गया। इसके अंदर एक गाय थी बेचारी और उसके पेट में बच्चा था, वो पूरी तरीके से जल करके वहीं पर समाप्त हो गई। गांव के लोग यहां पर दौड़ करके आए पूरी तरह से चाहे बचाने के लिए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचा नहीं पाए। उसी के अंदर जानवरों का चारा भी रखा हुआ था और ये छप्पर था, 2-3 छप्पर रखे गए थे। सब सारी चीज़ें दोस्तों, जो आसियाना था वो लकड़ी का ही था, इसलिए कोई चीज़ें बच नहीं पाई और इतनी बुरी तरीके से इसकी ये स्थिति हुई है। तो चलिए उनसे भी बात करते हैं जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैंने तो आपको दिखा दिया, उनसे बात करते हैं कि उनके परिवार में है कौन कौन कमाने वाला या इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला। चलते हैं। घर नहीं था, खाना पीना सब इसमें। अच्छा, रसोई आपका इसी में था? दोस्तों, हो जाता है, मालिक को जो मंजूर रहता है वो तो होता है, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। और कैसे लगा था आग ये बता सकते हैं आप लोग? अच्छा, उसमें आप लोग कहाँ लेटे थे जब ये आग लगी थी? तो अच्छा, जब आग लगी आप लोग इसी में लेटे थे, फिर यहाँ से निकल गए बाहर और जानवर इसी में बंधा रह गया। ये इतना ही था सब कुछ और खाना इसी में बनता था। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये खाने पीने की जो व्यवस्था थी, यही इनके बर्तन भी थे, सब कुछ जल चुके हैं और यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। तो इनके पास यही व्यवस्था होने के साथ साथ दोस्तों अब ये बेघर हो चुके हैं। जो भी है, अब ये गांव वाले के यहाँ इनके ऊपर कृपा होगी तो कुछ हो सकता है, मालिक की मर्जी है। दोस्तों, इसमें इंसान तो कुछ कर नहीं सकता है। सारी चीज़ें जो भी थी सब कुछ जल करके राख हो गया है। ये बेचारे किसी दूसरे के घर अब जा करके रहते हैं और इनके आगे पीछे भी कोई है नहीं। हर जगह चारों तरफ से बना हुआ था, इधर से दोस्तों खुला हुआ है, इसलिए हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ थी पूरब दिशा से कि यहाँ पर जलना, तो क्योंकि आग लग जाने के बाद दोस्तों जहाँ तक उसकी लहर जाती है वो पूरा जल जाता है और वहाँ तक आप देख सकते हैं ये पूरी नीम भी जल गई। क्या नाम है आपका? अजीत। तो आप क्या करते हैं?
सर क्या करूँगा, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, इस वजह थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेता हूँ। ऑपरेशन होता है? किस चीज़ का ऑपरेशन होता है? सर पेट का ऑपरेशन हुआ है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ऑपरेशन भी इनका काफ़ी बड़ा हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन था ये? गांठ का, पेट में गांठ हो गया था। और कमाने वाला कोई और भाई है? थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं और बाकी ही आप हैं। बंद कर लीजिए, सुन लीजिए। अब आप क्या करते हैं, इसके पहले क्या करते थे जिससे जीवन चलता था? कुछ भी, थोड़ा बहुत हल काम जो मिलता था वही करता था, वजन तो कर नहीं पाता हूँ बिना का काम। पिताजी हैं आपके? नहीं है। और कोई इसके अलावा मकान नहीं था रहने के लिए? सब कुछ यही था। अभी तक किसी ने कोई हेल्प किया आकर के? अभी तो नहीं आया। थोड़ा तेज बोलिए। अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, अभी कोई नहीं आया। आज कितने दिन हुआ आग लगे हुए? दूसरी एक रात बीती है, दूसरी। दोस्तों ये तीसरा दिन है आग लगे हुए, सब कुछ जल गया, अभी तक इनका कोई हेल्प नहीं हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते मैं इनकी एक छोटी सी हेल्प भी करता हूँ। और इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए, सारे रिकॉर्ड को देखते हुए, आगे भी दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि इनकी हेल्प की जाए। यहाँ के दोस्तों, गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अपने पास दोस्तों इन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद में, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये 50,000 रुपया है मात्र। मैं ये चाहता हूँ इनकी हेल्प इससे किया जाए। सर आप ये लीजिए। और दोस्तों मैं ये चाहता हूँ इस प्रकार से इनकी और भी आगे भी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे इस मुरली वाले हौसला फाउंडेशन को, इस टीम को मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए, जिससे इनका, मैं चाहता हूँ, घर भी पूरा बन जाए और इनकी पूरी व्यवस्था भी की जाए। संतुष्टि मिली कुछ आपको? मिली? तो आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अभी तक कोई आया मदद करने के लिए? कोई। समय है, हो जाता है। अच्छा ठीक। दोस्तों मैं चाहता हूँ आप इस हमारी टीम को मजबूती के साथ कंट्रीब्यूट कीजिए, हेल्प कीजिए, जिससे मैं इनका और भी मदद कर सकूँ, इनके आसियाने को भी तैयार करवा सकूँ। और दोस्तों इतनी बड़ी आगजनी हुई, इतना सब कुछ जल गया, ये 50,000 रुपये बहुत छोटी सी राशि है, लेकिन एक छाया इनके लिए हो सकता है इतने में। आगे जैसा भी आप लोगों का आदेश रहेगा, जैसी भी इजाज़त होगी, कमेंट करके दोस्तों बताइएगा और कंट्रीब्यूट भी कीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी का हेल्प करते हुए या तो फिर बेजबानों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद और बाय। दोस्तों ये पूरी तरीके से आग लग जाने की वजह से कुछ बचा भी नहीं, कोई बिस्तर, इसलिए इनको कंबल की ज़रूरत है।